मतलब और ये केबल ब्रिज हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है। Hey guys, welcome to my new blog। तो आज मैं जा रहा हूँ टाइपिंग टेस्ट के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के लिए। तो आज मैं जाऊँगा पहले पालमपुर, फिर पालमपुर से आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगा। रास्ते में जो भी त्रासदियाँ हुई हैं, जो आपको पता है पानी का लेवल बढ़ गया था ब्यास उस नदी में, वो सारा आपको दिखाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा डर मुझे पता किस बात से लगता है, वो देखिए आगे गौ माता, सीधे रोड में आ जाती है गौ माता जी, और उनकी पूँछ भी कट गई शायद। वो भाई पहाड़ों का हसीन सफ़र, मस्त मस्त रोड्स भाई साहब, सामने पूरा दिख रहा है आपको सुजानपुर का किला। बस मैंने वहाँ जाना है आज, सामने सुजानपुर का किला है। हवा की आवाज़ आ रही होगी आपको, कोई चक्कर नहीं। चबूतरा हिल्स, कहते चबूतरा की पहाड़ियाँ, मस्त जगह है यार। देखो ऊपर चबूतरा हिल्स, दोनों तरफ हिल्स, और हिल्स के बीच में एक पतला सा रास्ता है जिससे हम गुजर रहे हैं अभी। अभी मैंने लिया एक मस्त सा ब्रेक और एक मस्त ही जगह पे, ये देखिए सामने ब्यास नदी। ओ भाई साहब, बहाव देखिए कितना तेज़ बहाव है इसका। ओ भाई साहब, कितना मतलब मलबा इकट्ठा करके लाई है, एकदम मस्त लग रहा है यहाँ से। ओफ, जूम करूँ, ओ देखिए तो क्या भाव है इसका, लिटरली यार बहुत ही हाइट पे है, बहुत ही ज़्यादा हाइट पे। और एक चीज़ बताऊँ, इतनी हाइट पे ये है, सामने देखो आपको दिख रहा होगा ये पुल, इस पुल के ऊपर से क्रॉस करके पानी गया है उस दिन। सामने पूरे निशान निशान पड़े हैं, मतलब आपको दिख रहा होगा, जूम करूँ थोड़ा सा, ये देखो जहाँ जहाँ मिट्टी मिट्टी लगी पत्तों को, वहाँ तक इसकी हाइट थी। कम से कम वो 30 से 40 फीट ऊपर ऊपर से बह के गया है पानी यहाँ से, मतलब कितना ही है देखिए, मतलब यहाँ से तो बहुत ही ऊँचाई है। मतलब पहले वो वाला पुल हुआ करता मेन रोड, तो उस पुल को के ऊपर से गया है पानी, तो ये तो बहुत ही ऊँचा पुल है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये तो बहुत ही हाइट पे है, और देख के नीचे से डर लग रहा है। नज़ारे तो इस तरफ हैं, ब्यास नदी आ रही है एक तरफ से बहती हुई। अभी आपको थोड़ी मैं आगे जाके दिखाऊंगा, जहाँ पे ब्यास नदी मिलती है ना यहाँ से, वो अगला पुल है वहाँ पे दिखाऊंगा मैं अभी आपको। मतलब यहाँ पे भी देखिए, मतलब उस हाइट तक जो है पानी है उस हाइट तक, मतलब पत्ती सारे पत्तों में मिट्टी लगी है, तो मतलब पहचान हो जा रही है, इतना सिस्टम ख़तरनाक है ना यहाँ पे। ओह, दरिया का पानी। चलते हैं अपने डेस्टिनी पे, अभी हमारा फोकस है पालमपुर पहुंचने का। आज रात को पालमपुर पहुंचेंगे, फिर अगले दिन सुबह जाएंगे शाहपुर। शाहपुर में मेरा मतलब जो टाइपिंग टेस्ट वो शाहपुर में है, तो शाहपुर में चलेंगे। दोस्तों मैं पहुंच गया उस पुल के ऊपर, और लिटरली बहुत डर लग रहा है मुझे इस पुल पे, कि नीचे बह रही है पूरी ब्यास नदी, मतलब काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है मुझे यहाँ से। देखिए यहाँ पे पानी कहाँ से आ रहा है यार, मेरे को डर है कहीं पुल पल टूट ना जाइए। निकलो यहाँ से, चलो चलते हैं। इस पुल पे था मैं अभी, तो देखिए नीचे ये लोहे का ब्रिज बना हुआ है, बहुत पुराने टाइम का है, लेकिन इससे जाता कौन होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ नीचे बहाव तो मतलब ब्यास नदी काफ़ी गंदे तरीके से बह रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा फ्लो है, बारिश तो काफ़ी ज़्यादा हुई थी ना, मतलब इतना ज़्यादा पानी है इसमें, और इतनी फास्ट बह रही है, लग नहीं रहा होगा लेकिन बहुत फास्ट बह रही है। गाइस गेस व्हाट, मैं कहाँ पे हूँ, मेरे पीछे हैं ये पालमपुर के चाय के बागान, कांगड़ा टी। देखिए कितने सुंदर सुंदर बागान हैं, दिखाता मैं अभी कि पूरे मैदान की तरफ पीछे पड़े हैं पूरे कांगड़ा टी के बागान। यहाँ से रास्ता भी अंदर जाने को, मतलब कितने सुंदर लग रहे हैं ये, तोड़ भी सकते हैं यहाँ से। अभी तो कोई कुछ खुशबू नहीं है इसमें, लेकिन कांगड़ा टी देखिए चारों तरफ, यहाँ इस साइड भी, मतलब हर तरफ कांगड़ा टी कांगड़ा टी कांगड़ा टी, चाय के बागान, वाह वाह तो मज़ा आ गया। और अभी मैं जा रहा हूँ सौरभ वन विहार, सौरभ कालिया वन विहार, उनके मेमोरी में बनाया वो पुल जैसा बना एक, और वो काफ़ी मस्त जगह है, न्यूगल खड्ड पे बने हैं, तो वहाँ भी अभी लेके जा रहा हूँ आपको। यहाँ से बस अभी एक दो मोड़ नीचे है, बस अभी मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे मैं पहुँच गया सौरभ कालिया वन विहार में, मतलब देखिए यहाँ पे इस खड्ड में पानी तो मतलब काफ़ी गजब लेवल का, पर सामने का व्यू देखिए, मतलब जो धौलाधार पे जो बादल छाए हुए हैं इतने मस्त लग रहे हैं ना ये,
क्या ही बोलूँ, मतलब इतने मस्त व्यू आ रहा है इस टाइम यहाँ का। और अभी हम जाएंगे इस तरफ नीचे को। तो ये बनाया है कुछ उनके मेमोरी में, पुल जैसा है एक, और ऊपर मतलब उस ऊपर घूमने के लिए बनाया है। काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है ऊपर, लेकिन मैं अभी ऊपर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है और मेरे को तो उस पहाड़ को देख के थोड़ा डर लग रहा है। पर नीचे ये पानी जो आ रहा है सीधा ग्लेशियर से पानी आ रहा है, इतना मस्त पानी है ना, इतना ठंड चिल्ड पानी होता है। अभी नीचे जाऊंगा मैं, फिर दिखाऊंगा अभी आपको। इस पे भी, इस ब्रिज पे भी जाऊंगा मैं, काफ़ी सुंदर ब्रिज है। पुल क्षतिग्रस्त होने की वजह से आवाजाही इसमें बंद कर दी गई है, और क्या करें, हम नीचे चलते हैं क्योंकि इस पे देखो कितना सुंदर बनाई है, हैंगिंग ब्रिज टाइप। और ये तो गजब ही है ना, खड्ड नीचे वैसे जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जाने की। देखते पानी कितना ठंडा है। ओ भाई ग्लेशियर का पानी भाई बहुत चिल्ड है, बहुत चिल्ड। अंधेरा हो गया, बस जो कि जाके ना हो इधर कोई नीचे ना हो। यहाँ पे जिप क्रॉसिंग लगी है, जो मतलब वैसे झूले में लटका के आपको रिवर क्रॉस करवाते हैं ये बस हो। पर ये चीज़ मुझे बड़ी सुंदर लगी है जो घर बनाए हैं, बहुत सुंदर लगे मुझे। जिप क्रॉसिंग वो तो बंद है, अब मुझे समझ आ रहा है अंदर मैं जाऊँ या ना जाऊँ। तो गाइस इससे आगे तो मैं नहीं जाऊंगा, अंधेरा हो गया है और ऐसे भी अकेला हूं तो मैं अंदर तो नहीं जाऊंगा। ऊपर पहाड़ों पर पड़ी बारिश वो देखिए सामने। तो अभी चलते हैं वापस, ये तो सौरभ वन विहार, यहाँ पे ज़रूर आएँ हमेशा। आपको सौरभ वन विहार अंदर की साइड को लगे आपके मतलब झूले वगैरह लगे झूलने को, तो एक थोड़ा थोड़ा सा एडवेंचर भी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आके थोड़ा सा इन्जॉय कर सकते हो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका। ऑन द केबल ब्रिज, तो नीचे हमारा न्यूगल खड, क्योंकि नीचे से हम जाने तो मेरे को लगा कि क्यों ना ऊपर से ही बनाए। तो देखिए मतलब ओ गॉड, मतलब और ये केबल ब्रिज हिल रहा है, मुझे डर लग रहा है। वाह अभी अंधेर हो गया, काश में दिन में आया होता तो मतलब आपको बहुत चीज़ें दिखाता। दोस्तों अभी पहुंच गया भाई के रूम में, यहाँ पे भाई ने खाना रखा बनाने को, एक में दाल एक में चावल। मस्त डिनर करेंगे फिर मस्त सो जाएंगे, फिर कल जाएंगे शाहपुर टाइपिंग टेस्ट के लिए, क्योंकि मेन फोकस तो हमारा क्या है, टाइपिंग टेस्ट। करते हैं पेंड, तो वीडियो करें लाइक शेयर और चैनल करें सब्सक्राइब। बाय।